आपके सम्मुख इसलिए आना पड़ा हमें कि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ चुनाव के रिजल्ट आए हुए, और जब किसी को मैंडेट सरकार को जनता देती है तो उसको पॉजिटिविटी सकारात्मक भाव से उस राज्य क्षेत्र के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में चिंता करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि निगम में थोड़ा सा ऐंच ऊपर हमसे 2-2.5% वोट ज्यादा लेकर सत्ता प्राप्त करने वाले केजरीवाल साहब, क्योंकि 15 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी है, तो वो एमसीडी की सत्ता उनको मिली। एमसीडी की सत्ता मिलने के बाद उनकी जो फितरत है वो उस फितरत से बाध नहीं आई। किसी के ऊपर थूको और भाग जाओ, जिसके ऊपर थूको वो अपना पीछे पीछे भागता रहेगा। ऐसी ही फितरत का उन्होंने ये एक प्रमाण दिया। पहले उनके एक सांसद, उनकी सहयोगी मनीष सिसोदिया जी की सहयोगी, एक कार्यकर्ता जो इनकी आम आदमी पार्टी की एक्टिविस्ट है, जो शिखा गर्ग, उन्होंने हमारी पार्षद उनको टेलीफोन किया रिश्वत देने के लिए। वो कंप्लेंट हमने लॉज की है, उनको कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्यों मिलना चाहते हैं, हम मिलने के बाद ही बताएंगे। और उन्होंने कहा मुझे एड्रेस दीजिए। उनको लगा नई नई निगम पार्षद बनी है, कोई होगी अनभिज्ञ अनजान। आइए, उनके घर पहुंची, सीसीटीवी फुटेज में उनकी फोटो है, उनकी चर्चा है। उनको वो जो उनकी फितरत है जिस पे वो दुनिया को बेईमान बताते रहते हैं, उस फितरत के अनुसार ऑफर देने की कोशिश की। ये संदेश देने के लिए जनता ने, दिल्ली की ने मुझे नकार दिया मेरे 8 साल के फेलियर के बाद। तो निगम तो मुझे केवल 2% वोट ज्यादा लेने के बाद बन गए, लेकिन यह संदेश कैसे दें कि दिल्ली में मेरी लोकप्रियता है। तो निगम पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग करने के नाम से जो पहल उन्होंने की, वो उनके लिए ये नई बात नहीं है। मैंने जैसे कहा उनकी फितरत है, यही काम 14 सितंबर 2022 को इन्होंने चंडीगढ़ में, जब पंजाब की सरकार बनी थी तो पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल द्वारा इसी प्रकार सी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और 12 विधायकों को झूठे बराबर में बिठाकर, और यह कहा गया हमें तोड़ने के लिए टेलीफोन किए जा रहे हैं, जिनमें से बाद में एक दो विधायक ने कहा कि स्क्रिप्ट पर हमें पढ़ाई गई थी, बाद में सोशल मीडिया पर चला आपने देखा होगा। इसी प्रकार से 24 अगस्त 2022 को इनके जो नेता हैं सांसद संजय सिंह जी, उन्होंने 3 विधायकों को बिठाया चुनाव से पहले, अपनी बराबर में बिठाया, और उन विधायकों को बिठाकर यह कहा कि हमें खरीदने की कोशिश की जा रही है, ऑफर दी जा रही है। लेकिन आज तक यह नहीं बताया किसने टेलीफोन किया, किस नंबर से किया, कब किया, किसको किया। वो नकली अपने आदमी बिठा लिए जो रफू करते इनके 3 विधायक। वो स्थिति जैसी है वो आप सबने देखी है। तो इसीलिए इनका झूठ, धोखा, फरेब, ये है केजरीवाल, इसका पर्याय है झूठ, फरेब और धोखे का केजरीवाल साहब। उसके लिए उन्होंने इसी प्रकार से, जब ये गुप्ता जी हमारी जो पार्षद है उनकी शिकायत पर, उनके खिलाफ शिकायत हो गई, तो उन्होंने देश को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए फिर कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी करने के लिए संजय जी सामने आए, और आने के बाद हमारे पूर्व दिल्ली के मेयर, जब यूनिफाइड एमसीडी होती थी उसके स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सीनियर लीडर, उनका नाम लेकर उन पर आरोप लगाया कि हमारे पार्षदों को तोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। योगेंद्र जी ने कहा मैं अपना टेलीफोन भी दे सकता हूं, किससे बात हुई, कब हुई। जब मनीष सिसोदिया की ट्वीट आया था तो मैंने ट्वीट भी किया था उनको कि मनीष सिसोदिया साहब आप सम्मानित संवैधानिक पद पर हैं, कोई बेवड़े नहीं है, क्यों कलंकित कर रहे हो सम्मानित पद को भी। अगर तुम्हारे पार्षदों को किसी ने टेलीफोन किया भाजपा के नेता ने, तो किस पार्षद के नंबर पे किया और किस नेता ने किया उसको दिखाइए, लाइए दिखाइए। वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सम्मानित डिप्टी सीएम जैसे पद को कलंकित करने वाले लोग, देश के लोकतांत्रिक सिस्टम पर से लोगों का विश्वास उठ जाए इस मानसिकता से कैसा काम करते हैं। तो योगेंद्र जी ने उसकी कंप्लेंट दी है कि मेरा टेलीफोन डिटेल, मेरा टेलीफोन, मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। आज वो कंप्लेंट दिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर, और पहली भी कंप्लेंट दे रखी हम लोगों ने। लेकिन ऐसी राजनीतिक घृणित राजनीति करने वाले लोग छोटी संकुचित मानसिकता से लोकतांत्रिक सिस्टम को बदनाम करने वाले लोग,
उनकी जानकारी आप तक पहुंचे, आपके माध्यम से जनमानस तक पहुंचे कि केजरीवाल साहब का वस्तु स्थिति कैसी है और उनका करैक्टर कैसा है और लोग कब तक उनके ऊपर विश्वास करेंगे। और विश्वास करने के लिए अब बार बार वो किसी के ऊपर थूक कर अगर भागते हैं तो लोकतंत्र में उसका जवाब तो लोकतांत्रिक पद्धति से देश की सम्मानित और दिल्ली की सम्मानित जनता ही दे सकती है। ये मैंने आपके सम्मुख ये वस्तु स्थिति रखनी थी। योगेंद्र जी के साथ जो घटना घटी उसके बारे में योगेंद्र जी आपको विस्तार से इसकी जानकारी देंगे। जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकप्रिय सांसद रमेश विधूड़ी जी, मीडिया का काम देख रहे भाई परवीन शंकर कपूर जी, विक्रम मित्तल जी, अजय सहरावत जी, पत्रकार मित्रों, मैं 10 तारीख को दिल्ली से बाहर एक सामूहिक कार्यक्रम में गया था अहमदाबाद। तो मैंने अखबारों में देखा, सोशल मीडिया पर देखा कि कांग्रेस के 2 पार्षदों को उन्होंने दल बदल कराकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी कि जब आप आम आदमी पार्टी के पास एक बिग नंबर है उसके बाद ये पार्षदों को खरीदने का ये जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है जिसके लिए मानी जाती है, तो वो मैंने ऐसा एक वीडियो डाला था। और 11 तारीख को 2 बजे सांसद संजय सिंह ने एक ट्वीट किया कि योगेंद्र राम का एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के पार्षदों से लेन देन की बात कर रहा है। और उन्होंने 3 पार्षद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए, एक रोनाक्षी शर्मा, एक कोई नावरिया है, एक ज्योति। और उन्होंने कहा, संजय सिंह ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी खोखा पार्टी है, उल्टे सीधे हमारे ऊपर आरोप लगाए, जो कि बिल्कुल बेईमान पार्टी है, कट्टर बेईमान पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि योगेंद्र चंदुलिया को गिरफ्तार किया जाए और उन्होंने मांग की पुलिस कमिश्नर से कि मैं मांग करता हूं। जब मुझे दिल्ली से फोन आने लगे तो मैंने पार्टी हाईकमान में बात की, तो मैंने उनके ट्वीट का जवाब भी दिया और उसके बाद मैंने अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक मैंने वीडियो भी डाली थी। उसमें सीधा सीधा ये है कि रोनाक्षी शर्मा जो बलजीत नगर से पार्षद है उसके पिताजी कहते हैं कि योगेंद्र चंदोलिया का मुझे फोन आया और फोन करके कहते हैं कि जी हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय के तत्कालीन आदेश गुप्ता जी का नाम भी लिया और कहा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तो कम है। अपने आप ही उनकी मनोरथ कहानियां थी, वही बोले जा रहे थे कि सारा का सारा कोई किसी से मेरी बातचीत नहीं हुई। तो मैंने आज मधुर वर्मा जो ACB में है उनको मैंने शिकायत दर्ज कराई है कि जो संजय सिंह ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और मैं जांच को हर जांच के लिए तैयार हूं। और मैंने कहा है कि मेरा मोबाइल नंबर वो जमा करवा सकते हैं और संजय सिंह का और उन 3 लोगों का, और इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल इसलिए है क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो अरविंद केजरीवाल के कार्यालय से हुई है, उनके पार्टी ऑफिस से हुई है। उसके साथ साथ लगभग 1.5 से 2.25 लाख लोगों ने ये इसको देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मेरे माध्यम से बदनाम करके उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो घृणित काम किया है, इसलिए इसकी सच्चाई होनी चाहिए। और अगर जैसा अभी प्रवीण शंकर जी ने कहा कि उनका काम माफी मांगना है, मैं इस मामले के अंदर क्योंकि पार्टी की उन्होंने बदनामी की है, हम उनको माफ करने वाले नहीं है और मैं 2-3 दिन के अंदर मान हानि का दावा करूंगा और उसके बाद संजय सिंह को कटघरे में लाकर हम खड़ा करेंगे कि आइंदा कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उल्टे आरोप लगाने का वो काम बंद करें। ऐसे लोगों से, कॉन्स्पिरेटर लोगों से ऐसी बारे जिक्र करना तो उसको भी वो हवाला दे देंगे। रमेश जुड़ी ने भी हम ऑफर किया था कि संजय सिंह तो याद है 10 करोड़ रुपए तेरे को दे देते हैं। वो तो फितरत वाले लोग हैं इस प्रकार के। धन्यवाद।